अरे भैया, पिछले बार जुरासिक मार्च के ज़ॉम्बी बॉस को हरा के बहुत मजा आया। ओए हाँ, ये तो है, बहुत मजा आया। अब अगला वर्ल्ड हम कौन सा खेलने वाले हैं? चलिए भैया, देखते हैं कि अगला वर्ल्ड कौन सा अनलॉक हुआ है। क्योंकि हमने बहुत सारे वर्ल्ड तो ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं भैया, और ये रहा जुरासिक मार्क भैया, इसमें हमने ज़ॉम्बी बॉस को हरा दिया है। अब देखते हैं अगला कौन सा वर्ल्ड है। तो इसका नाम है भैया बिग वेव बीच। इसमें भी 32 लेवल है भैया। इसके बाद एक वर्ल्ड और है, मॉडर्न वर्ल्ड है भैया। बस उसके बाद फिर ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी। ओए मज़ा आया इस सीरीज में, अभी तो और भी खेलने बाकी हैं, चल देखते हैं। ओ ये तो बीच है जिसमें आधे दूरी पर पानी है और आधे में टाइल्स हैं। यारे हमको ज़मीन और वाटर दोनों के प्लांट्स यूज़ करने पड़ेंगे। हाँ भैया, बिल्कुल सही समझे। और बीच में ये जो रस्सी है भैया, ये पानी यहीं तक चढ़ता है, इसके आगे नहीं जाता भैया। और देख के रहना भैया, इसमें बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी आते हैं और ये टाइम बिल्कुल नहीं देता भैया। ओए तू फिकर ना कर, तू देख कैसे मैं इसको टैकल करता हूँ। बस तेरे पास बिग ब्रेन्स होने चाहिए, बस कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले हम लिली पैड, हमको पहले से दिया हुआ है, सनफ्लावर ले लेते हैं और एक वॉलनट ले लेते हैं। टॉलनट भी काम आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सैलरी रख लेते हैं, पता नहीं यहाँ पर काम करेगा कि नहीं। लेने में क्या हर्जा है, पहले लेवल को खेल के देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट इसमें यूज़ होंगे। एक काम करता हूँ, इनको स्लो करना पड़ेगा। तो स्लो करने के लिए हमारे पास ये वाला प्लांट है जिसका नाम है स्टेलिया। एक मिनट भैया, मैं आपको सजेशन देता हूँ। गार्लिक यहाँ पर काम नहीं आएगा, गार्लिक को हटा दीजिए भैया। उसके बजाय में आप कोई और प्लांट लीजिए, आपने अटैकिंग प्लांट नहीं लिया है भैया। आपको पी शूटर की ज़रूरत है तो पी शूटर ले लीजिए। और मेरी मानिए तो भैया, टॉलनट की भी ज़रूरत नहीं है, टॉलनट को हटाइए। इसके बजाय आप कोई अच्छा प्लांट लीजिए भैया, जैसे कि भैया आपके पास फायर पी शूटर है ना, उसको लीजिए, वो बड़े काम की चीज़ है भैया। अब चलिए खेलते हैं। ओके थैंक्स मुन्ना, तूने प्लांट चुना बहुत अच्छा लगा, चल अब मैं खेलता हूँ इसे। ठीक है भैया, आप ही खेलिए। ओए सबसे पहले सनफ्लावर प्लांट किया, फिर दूसरा वाला भी प्लांट किया, अभी वेट करते हैं सन ड्रॉप होने का। अरे ये तो अभी से ज़ॉम्बी आना चालू हो गए, हमने तो अभी तक कोई प्रिपरेशन भी नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास वॉलनट है, उसे लगा दिया और साथ में पी शूटर भी लगा दिया। यहाँ पर लिली पैड्स इंपॉर्टेंट है, उनको लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वहाँ पर वॉलनट रख सकते हैं। और मुझे मुन्ना यहाँ पर लग रहा है कि हमको ज़्यादा वॉलनट की ज़रूरत है, तो अगले बार हम दूसरे टाइप के वॉलनट भी लेके आएंगे, जैसे कि प्राइमल वॉलनट यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। हाँ भैया, और यूज़फुल भी होगा। देखिए इतने सारे आ रहे हैं और हमारे पास में वॉलनट ही नहीं है भैया। ओए तू फिक्र मत कर, आराम से इनको हम कवर कर लेंगे। तो देख मैंने यहाँ पर एक पी शूटर रख दिया है, अब वो उसकी धुलाई करेगा। देख अब एक वॉलनट और आ गया है, वो गलत जगह लग गया, अभी थोड़ा से स्लो कर लेते हैं, तब तक हमारा पी शूटर उसकी अच्छे कवर लेगा। अरे भैया, सभी जगह से ज़ॉम्बी आना चालू हो गया है, वॉलनट भी हमारे पूरे नहीं लगे हैं और सभी जगह हमारे पी शूटर भी नहीं लगे हैं भैया, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए अब फिर से आना चालू हो गया भैया। अच्छा हुआ वो कौन वाला ज़ॉम्बी मर गया, लेकिन अभी दो ज़ॉम्बी और आ रहे हैं भैया, वहाँ पर जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। अच्छा हुआ आपने वॉलनट रख दिया भैया। ओए आप ठीक लग रहा है, बस एक ही एरिया में हमारा वॉलनट नहीं लगा है, उसको भी अभी लगाना पड़ेगा। बाकी पी शूटर भी ऑलमोस्ट सब जगह लग गए, ये रहा सभी लेन में एक एक लग गए, सनफ्लावर भी मेरे पूरे हो गए। अरे भैया ऊपर वाला देखिए, उसने तो वॉलनट भी खा लिया भैया। अभी रोकना पड़ेगा, जल्दी से लिली पैड लगाकर एक वॉलनट लगा दीजिए भैया, आप सही हैं। ओए क्या अभी बके हेड भी आ रहा है, इसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। अरे यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो फाइनली मैंने पी शूटर निकाल लिया, वो भी फायर वाला। और मुझे लगता है मुन्ना इस लेवल पे जो मैग्नेट वाला श्रूम है, यानी मशरूम है, वो बहुत काम आएगा, तो उसे अगले बार हम रख लेंगे। ठीक है भैया। देखिए बीच वाले लेन में अब तो ज़ॉम्बी आना भी चालू हो गया भैया, अब जल्दी से इस पे फायर शूटर यूज़ कीजिए भैया। ओए उसे प्लांट फूड कहते हैं, रुक प्लांट फूड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पर सैलरी रख देता हूँ। अब ठीक है, बाल बाल बचे, ऑलमोस्ट पास आ गया था और साथ में कौन पहने भी हुआ था, बहुत खतरनाक है। हाँ भैया देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं,
और सब जगह आप फायर पी शूटर रख भी नहीं सकते भैया, क्योंकि इतने सन नहीं है हमारे पास में। फिर भी देखिए भैया, अच्छा है 3 जगह लग गया है, 2 जगह और बाकी है भैया। बढ़िया है भैया, बहुत काम आ रहे हैं ये फायर पी शूटर, लेकिन लगता है उतने इफेक्टिव भी नहीं होंगे भैया ये। अगली बार हम एक काम कर सकते हैं भैया कि सैलरी को हटा सकते हैं, सैलरी मुझे उतनी इफेक्टिव नहीं लगी। ओए ठीक है देख लेंगे, ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है क्योंकि फाइनल वेव कभी भी आने वाली है और उसके बाद में ये लेवल ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे नहीं लगा था कि बिग वेव बीच वाला इतना टफ होगा, पर आगे क्या होगा क्या पता, अभी तो देखते हैं। अभी तो उतना हार्ड नहीं लग रहा है मुझे, आराम से हम इसे टैकल कर सकते हैं। अरे भैया ये तो पहला लेवल है ना, आप जानते हैं ना हर वर्ल्ड का पहला लेवल तो बहुत इजी होता है। आगे बहुत टफ टफ लेवल आने वाले हैं भैया, ये पानी का जो लेवल है वो काफ़ी आगे तक आ जाएगा, तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी भैया। ओए तब वाटर के बहुत सारे प्लांट भी तो हमको मिल जाएंगे, तो टेंशन ना ले, तू देख कैसे मैं हर लेवल को पार करता हूँ। ठीक है भैया, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मुझे आप पर पूरा भरोसा है भैया, हम पूरे लेवल को आराम से क्रॉस कर लेंगे भैया और इस पूरी सीरीज को भी ख़त्म कर देंगे भैया। ओए हाँ मुन्ना, इसके बाद हमको दूसरा गेम भी देखना पड़ेगा, क्यों ना हम व्यूवर से पूछ लें कि कौन से गेम हमको खेलने चाहिए। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में हमें बताना कि कौन से हम और गेम खेल सकते हैं। तो फिलहाल तो ले तेरा पहला लेवल क्रॉस हो गया और हमको एक लिली पैड मिला है, क्या बात है। वाह भैया बढ़िया है, देखिए हमको एक प्लांट मिल गया। ओए चल देखते हैं अब इसका सेकंड लेवल कैसा है और क्या डिफिकल्टी हमको आगे आती है। ओए ये क्या, रोप तो काफ़ी आगे आ गया है लेकिन पानी काफ़ी पीछे है, ये अच्छी बात है। अरे भैया ऐसा नहीं है, आप अगर नॉर्मल प्लांट वहाँ लगाएंगे तो टाइडल वेव आएगी भैया, पानी आगे तक जाएगी पर उस रोप को क्रॉस नहीं करेगी भैया, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइडल वेव बीच में आगे पीछे होते रहती है भैया। ओए ये बात है क्या, अच्छा आप समझ में आया, तो ठीक है सबसे पहले हम सनफ्लावर लेते हैं, ट्विन सनफ्लावर ज़्यादा सन के लिए, लिली पैड तो ज़रूरी है ही। मैंने पिछले बार मैग्नेट श्रूम के लिए कहा था तो उसको भी रख लेते हैं, एक वॉलनट चाहिए, साथ में दूसरा वॉलनट तो ज़रूरी है क्योंकि हमको काफ़ी सारे वॉलनट की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्राइमल वाला वॉलनट बहुत काफ़ी काम आएगा। और आखिरी में बचा बस एक पी शूटर, तो उसे भी रख लेते हैं। इसके बाद मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा चलेगा और इसके साथ हम काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। हाँ भैया देखते हैं कि काम आता है कि नहीं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं भैया, सनफ्लावर प्लांट करना चालू करते हैं और लिली पैड्स को सभी जगह लगा देंगे भैया। उस रोप में सबसे पहले हमको एक काम करना पड़ेगा कि वॉलनट की पूरी एक चेन लगानी पड़ेगी भैया। ओए सही कहा, सबसे पहले लिली पैड लगाकर, ओए ये देख ये लेवल थोड़ा हार्ड होने वाला है क्योंकि इसमें 3 फ्लैग आने वाले हैं, तो शुरू से काम तो हमने चालू कर दिया कि यहाँ पर सनफ्लावर भी लगाते जा रहे हैं और वॉलनट भी लगाते जा रहे हैं। लिली पैड का काम तो हो गया, देख यहाँ पर पहले प्राइमल वॉलनट रख दिया, तो बढ़िया है अभी सब काम बराबर चल रहा है। अब सनफ्लावर हर लेन में तो लग गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड लेन में ये ट्विन सनफ्लावर लगाया जाए या फिर यहाँ पर पी शूटर लगा दे तो क्या चलेगा। हाँ भैया देखिए पानी का लेंथ बढ़ने लगा है भैया, बहुत आगे तक आने लगा है पानी, धीरे से और अभी आगे आ जाएगा भैया, तो इसका ध्यान रखिएगा भैया, हमको ज़्यादा लेन नहीं मिले हैं भैया जिसमें हम अटैक कर सकें, तो इसलिए कुछ अच्छा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ओए तो उसकी फिक्र ना कर, तू देखते जा मैं कैसे खेलने वाला हूँ, कितने भी ज़ॉम्बी आ जाए हम सबको संभाल लेंगे। चलिए भैया एक काम तो अच्छा हो गया कि सभी जगह वॉलनट आपने रख दिए है भैया, ताकि ये ज़ॉम्बी आएंगे तो वॉलनट खा के बिजी हो जाएंगे भैया और हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हमको और टाइम मिल जाएगा ताकि हम सन कलेक्ट करके भैया और पी शूटर लगा पाए। ओए बस तू देखते जा अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये देख पहली ह्यूज वेव आ गई है और तैयारी के लिए हमने पहले एक लाइन में पी शूटर रख दिए हैं, तो अभी तक तो ठीक अरेंजमेंट है। हाँ भैया ठीक तो लग रहा है, अब सेकंड लेन लगानी पड़ेगी भैया पी शूटर्स की, तो वो भी काम चालू करते हैं, देखिए बकेट हेड वाले भी आने चालू हो गए भैया, तो अब ये मशरूम की बारी आ गई भैया, मैग्नेट वाला मशरूम रखना पड़ेगा ताकि ये इनके बकेट खींच कर निकाल ले भैया, वरना इनको मारने में ही काफ़ी टाइम निकल जाएगा,
तो बढ़िया है भैया, देखिए सेकंड लेन भी लगना चालू हो गई है। ओए मेरा प्लान तूने देखा, अब मैं सेकंड लेन लगाने जा रहा हूँ। सेकंड लाइन लगाऊंगा इन वॉलनट्स की और पीछे वाले को फिर हटा दूंगा, ताकि उनको हटाकर मैं अटैकिंग प्लांट्स या फिर वो मशरूम वाले मैग्नेट रख दूँ। वाह भैया क्या आइडिया है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। बहुत बढ़िया भैया, देखिए अब वो जगह खाली हो गई है, तो वहाँ पर ये मशरूम वाला लग सकता है मैग्नेट वाला। भैया देखिए अब इसके बाद वो ज़ॉम्बी तुरंत बच जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, क्या प्लान है। ओए मैं ऐसे ही पूरे लेवल पार कर दूंगा, तू देखते जा। पहले हमको वॉलनट्स की पूरी चेन लगानी पड़ेगी और पीछे पीछे वॉलनट्स को हटाकर उनकी जगह अटैकिंग प्लांट रखने पड़ेंगे। बढ़िया है भैया, क्या प्लान है। मज़ा आ गया। देखिए भैया जितने भी ज़ॉम्बी आ रहे हैं अब आराम से हम उनको संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो लाइन है पी शूटर्स की भैया, और इतने सारे बकेट वाले भी आ रहे हैं तो भी उनको संभालने के लिए हमारे पास मैग्नेट शूम है भैया। ये बहुत बढ़िया बात हो गई ना। ओए हाँ ये तो है, देख बहुत बढ़िया, अभी लाइन से हम लगाते जा रहे हैं और वॉलनट भी हमारे प्रोटेक्शन लेयर की एक अच्छी कड़ी है। बढ़िया है भैया। देखिए ये बकेट हेड वाले ज़ॉम्बी तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं भैया, क्योंकि उनके बकेट्स तुरंत खींचते जा रहे हैं। अब तो कितने भी आ जाएं भैया हम आराम से संभाल लेंगे, क्योंकि देखिए तीन तीन लेयर लग चुकी है भैया, वो भी वॉलनट्स की। कितने भी ज़ॉम्बी आ जाएं भैया तीनों लेयर को एक साथ क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया भैया। ओए थैंक यू अगी, बढ़िया चल रहा है। देख अभी लास्ट लेयर आने वाली है, यानी लास्ट फ्लैग आने वाला है, तो उसके बाद फिर ये वर्ल्ड भी ख़त्म हो जाएगा, ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा। डे टू है ये, और इसको हमने कितनी आसानी से संभाल लिया। देख कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना अभी तक। नहीं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया भैया, मैंने नहीं सोचा था कि ये जो बे वर्ल्ड है उसको हम आराम से टैकल कर पाएंगे भैया, पर आगे का पता नहीं भैया आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक तो आराम से चल रहा है भैया। देखिए फाइनल वेव आ गई है और इसमें और भी बकेट हेड वाले ज़ॉम्बी आ रहे हैं भैया, बल्कि बहुत सारे आ रहे हैं भैया। बाप रे बाप, पाँच या छः बकेट हेड वाले ज़ॉम्बी आ रहे हैं भैया। ओए तू फिक्र मत कर, देख मैं अभी और मैग्नेट शूम लगाता हूँ ताकि इनकी वाट लग जाए। तो यहाँ पर एक हटाया, इसकी जगह पर एक और मैग्नेट शूम लग दिया, ये हुई ना बात। अब दो ही ऐसे ज़ॉम्बी बाकी हैं जिनके हेड पे बकेट्स हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाह भैया बहुत बढ़िया, देखिए आराम से डे सेकंड भी ख़त्म हो गया भैया, मज़ा आ गया। देखिए ओए क्या बात है, अभी कोई नया प्लांट मिलेगा कि नहीं। वैसे तो हमने कोई नया प्लांट लूज़ नहीं किया है, इसलिए शायद मिलेगा। तो देखते हैं, कॉइंस तो मिल गए, अब देखते हैं अब क्या क्या बाकी है। कुछ तो अनलॉक हो जाए तो दो तीन लेवल के बाद अनलॉक होगा, देखेंगे। अभी तो केवल बैग ऑफ कॉइन मिला है। हाँ भैया अब देखते हैं अगला लेवल में क्या होता है, कैसी डिफ़िकल्टी मिलती है। तो ये तो ठीक लग रहा है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बीचों बीच में एक रस्सी लगी हुई है भैया, वही है जहाँ तक पानी आ पाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या मिलता है भैया। और इसमें तो कन्वेयर बेल्ट चलेगी और प्लांट्स आते जाएंगे, हमको यूज़ करना है, तो देखते हैं। ओ इसमें तो चॉम्पर है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चॉम्पर है तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आराम से हम खेल लेंगे। तो चॉम्पर बस यहाँ तक आ सकता है, पानी में है तो हम चॉम्पर लगा नहीं पाएंगे। तो ये बकेट हेड वाला आ रहा है, उसे तो ये आराम से चबा जाएगा। तो दूसरा इधर लगा देता हूँ, पी शूटर है, वो भी रिपीटर है तो काम का है, उसको भी पीछे लगा देते हैं कहीं पर। एक नॉर्मल पी शूटर है, उसको भी मैंने यहाँ लगा दिया। देख चॉम्पर कैसे उसे तुरंत ही खा जाएगा, बहुत बढ़िया। अरे इधर से और आ रहे हैं, तो यहाँ भी चॉम्पर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ भैया चॉम्पर तो दिख नहीं रहा है, तो पी शूटर ही लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर और दिख रहा है भैया, तो एक पी शूटर यहाँ लगा दिया। ओए अगर ऐसा रहा तो ये आराम से क्रॉस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख एक चॉम्पर यहाँ आ गया और दो फ्लैग है इसमें, तो दो फ्लैग को हमको सर्वाइव करना पड़ेगा, जो कि उतना पावर प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इसके चॉम्पर की तूने एक बात देखी कि ये तो ज़ॉम्बी को खा जाता है लेकिन चबाता नहीं है, ये कैसा है। प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी वन में जब चॉम्पर था तो एक को खाने के बाद वो काफ़ी देर तक चबाता रहता था, तब दूसरे आते थे तब प्रॉब्लम होती थी। हाँ भैया प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी टू में इनकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है भैया, ये एक बार खा सकते हैं और उसके बाद दोबारा भी खा सकते हैं, लेकिन दो बार एक बार खाने के बाद में
वो चबाते रहेंगे भैया। देखिए जैसे ये है, इसने दो जॉम्बियों को एक साथ खाया तो दूसरी बार उसे चबा रहा है भैया। अब इसे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि दूसरे जॉम्बी को ये हजम कर सके, तो बढ़िया है ना भैया? ओए बढ़िया तो है, लेकिन जब तीन तीन जॉम्बी एक साथ आ रहे हो तब क्या करना है? ऐसे में कुछ नहीं करना है भैया, बस एक चौंपर के पीछे दूसरा चौंपर लगा देंगे, हमारा काम बन जाएगा भैया। देखिए पानी में तो लगा नहीं सकते भैया, और रोप की उस पार भी नहीं लगा सकते, इसलिए हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, चौंपर के पीछे चौंपर लगाना चालू करते हैं भैया। ओए वही करना पड़ेगा, देख पहली यूज वेव आ रही है, तो अब फ्लैग लेके काफ़ी सारे आ रहे हैं, वो भी वाह इतने सारे बकेट हेड वाले आ रहे हैं, बाप रे बाप, देख तो गिनती कर तो इनकी कितनी सारे हैं। अरे हमारे चौंपर कहीं कम ना पड़ जाएं, इतने सारे अब हमने दो दो तो लगा दिए हैं, तो मेरे ख्याल से काम तो बन जाना चाहिए। हाँ भैया पानी भी आगे तक आ चुका है, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो देखिए भैया चौंपर तो आराम से बकेट हेड वाले को खा जाएंगे भैया, जहाँ तीन तीन है वहाँ प्रॉब्लम होगी भैया, एक वहाँ ख़त्म हुआ एक ऊपर में ख़त्म हुआ, बहुत बढ़िया भैया। देखिए दूसरे वाले को भी चबा गया चौंपर, बहुत बढ़िया भैया। ओए वाह मुन्ना मज़ा आ गया, ये चौंपर तो दो दो एक साथ खा लेता है, बहुत भूखा लगता है, और ज़ॉम्बी इससे बच नहीं पाएंगे, हमने पीछे पी शूटर भी लगा दिए हैं, तो हमारा काम तो चलता रहेगा। हाँ भैया मुझे नहीं लगता भैया कि डे थ्री में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाली है भैया, ऐसा तो नहीं है भैया कि कहीं चौंपर हमको मिलेगा, इसके बाद चौंपर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा भैया। ओए क्या पता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चैलेंज अच्छा है, चौंपर बड़े काम की चीज़ है, देख ज़ॉम्बियों को कैसे चबाता हुआ आगे बढ़ता रहता है, मतलब खड़ा तो वही रहता है लेकिन ज़ॉम्बी आते जाते हैं, तो अच्छा है, इसमें काफ़ी मज़ा आया, और ये लेवल तो आराम से क्रॉस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ भैया सभी प्लान सभी लग चुके हैं, और देखिए भैया खाने के बाद बड़ी सी डकार भी मारता है, ये अच्छा एनिमेशन है भैया जो प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 में लगाया गया है। ओए बढ़िया है, देख पानी भी आगे आ रहा है, और पानी आगे आने पे हमारा प्लांट जो है वो डूब गया। ओके कोई बात नहीं, एक चौंपर और आ रहा है, लेकिन उस चौंपर को लगाने के लिए कहीं जगह नहीं दिख रही है, तो छोड़ अभी उसे ऐसे ही रखते हैं, वैसे तो ये लेवल आराम से क्रॉस हो जाएगा, यूज वेव आने के बाद में ये वर्ल्ड भी सॉरी ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा। बढ़िया है भैया, देखिए अरे इसमें तो प्लांट फूड यूज़ करने पर जितने लोग हैं उनको एक साथ खींच लेता है भैया, क्या बात है। देखिए अब ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो प्लांट यूज़ करते हैं भैया, देखिए एक में अगर प्लांट फूड यूज़ करेंगे तो सारे के सारे लेन वाले को मेरे ख्याल से सबको खा जाएगा भैया। हमारे पास तीन प्लांट फूड है, चलिए एक एक करके यूज़ करके देखते हैं। तो ये भैया दोनों को एक साथ खा गया, अब इस पे करते हैं, ये भी दोनों को एक साथ खा गया, बढ़िया है भैया, ये भी दोनों को खा गया भैया, वाह मज़ा आ गया भैया, इन पे प्लांट फूड यूज़ करने में तो बहुत मज़ा आता है। ओए सही कहा, मज़ा आ गया, क्या बात है, बस नीचे वाले बाकी हैं, उनको भी पीछे वाला चौंपर खा जाएगा, और ये देख हमारी ख़त्म हो गई, क्या बात है, डे थ्री आराम से निकल गया। हाँ भैया मज़ा आ गया, देखिए डे थ्री भी ख़त्म हो गया, और चौंपर के साथ हमने चैलेंज भी पूरा कर दिया भैया, अब देखते हैं अगले में क्या चैलेंज आता है भैया। ओ यहाँ देखते हैं डे फोर कैसा रहेगा, देखते हैं कोई नया चैलेंज है कि नहीं, वैसे तो नॉर्मल ज़ॉम्बी है और रोप थोड़ी आगे आ गई है, वो सोचना पड़ेगा। तो पहले सनफ्लावर लेते हैं, इस बार टर्न ट्विन सनफ्लावर की ज़रूरत नहीं है, लीली पैड लेंगे, उसके अलावा वॉलनट ज़रूरी है, और पी शूटर चाहिए, और वॉलनट भी दो टाइप के लेने पड़ेंगे, प्राइमल वाला काफ़ी काम आया था, पिछले बार मैग्नेट शूट में भी काफ़ी अच्छा काम किया था, तो उसे भी लेना पड़ेगा। और देखते हैं और कौन से प्लांट ले सकते हैं, नीचे तो सब लॉक्ड है तो उसे ले नहीं सकते, और ऊपर वाले थोड़े कम हैं लेकिन उसी में से छाड़ना पड़ेगा हमें। देख मैंने एक्वेटिक प्लांट रख लिए, जैसे लीली पैड रख लिए, मैग्नेट श्रूम रख लिए, और पी शूटर रख लेता हूँ, अभी भी एक स्लॉट बाकी है, इसके लिए क्या लेना है। पिछले बार फायर पी शूटर लिया था भैया, उसे लेकर देखते हैं भैया, वैसे तो उतने कारगर नहीं है भैया, लेकिन फिर भी इसे चला कर देखते हैं। ओए बॉन्ग चॉय भी एक अच्छा ऑप्शन होता, लेकिन कोई बात नहीं, चल इसी कॉम्बिनेशन से खेलना चालू करते हैं। तो सबसे पहले सनफ्लावर लगाते हैं और वेट करते हैं सन के ड्रॉप होने का, उसके बाद दूसरा सनफ्लावर लगाएंगे, डे फोर है, और देखते हैं इसमें कितने सारे फ्लैग आएंगे। हाँ भैया
देखते हैं। देखिए तीसरा सिल्वर भी लगा लिया, तो इसमें तीन फ्लैग आने वाले हैं भैया, और ज़ॉम्बी तो आना भी चालू हो गया भैया। जल्दी से लिली पैड लगाने पड़ेंगे। तो ये गया लिली पैड, अब थोड़ा वेट करते हैं भैया। तुरंत ही एक वॉलनट रखते हैं भैया, ताकि वो ज़ॉम्बी थोड़ा इंगेज हो जाए और हमें टाइम मिल जाए ताकि हम और सनफ्लावर लगा पाएँ। देखिए बढ़िया है ना भैया। अब यहाँ पर पी शूटर रख देते हैं ताकि वो इस ज़ॉम्बी की खबर ले। हालांकि पीछे वाला अगर लिली पैड गायब भी हो जाए तो भी उतना कोई असर नहीं होगा भैया, क्योंकि हमारे पास आगे वाले लिली पैड्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अब सभी सनफ्लावर सभी लेन में लग गए हैं, तो अब हम वॉलनट लगाना चालू करते हैं। तो तीन जगह वॉलनट लग गए हैं भैया, दो जगह और बाकी है, जैसे ही एक्टिवेट होंगे हम वहाँ भी लगा देंगे। ओए सही कहा, देख यहाँ पर मैंने पी शूटर भी लगाने चालू कर दिए। तीन लेन में पी शूटर लग गए हैं, अभी दो लेन बाकी है। तो एक में हमने प्राइमल पी शूटर रख दिया, सॉरी प्राइमल ये वॉलनट रख दिया और नॉर्मल वॉलनट रख दिया। अभी सब लेन में हमारे वॉलनट्स लग चुके हैं, और ये देख बकेट हेड वाला भी आ रहा है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अरे भैया अभी से ये कैसे हुई जुए आ गई भैया, अभी तो प्रिपरेशन भी ढंग के नहीं हुए हैं। देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पर एक मैग्नेट शूम लगा दिया है ताकि उसका बकेट वाले का बकेट खींच सके, ताकि वो जल्दी मर जाए। यहाँ पर जल्दी से हमने प्लांट फूड यूज़ कर लिया है भैया। ओए ये क्या चीज़ है, ये अचानक से पानी में से कैसे निकली? ये लिटिल मरमेड लग रहे हैं, छोटे से जलपरी टाइप के, लेकिन ये ज़ॉम्बी है। हाँ भैया थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, आगे और भी नए नए टाइप के ज़ॉम्बी मिलेंगे भैया, तो उनसे टैकल करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी भैया। ओए ठीक है देख लेंगे, तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है। ये देख सभी ज़ॉम्बी तुरंत तुरंत मरते जा रहे हैं, और मैंने दो लेयर भी लगानी चालू कर दी है ये जो पी शूटर है उसकी। अब सोचना पड़ेगा कि बीच बीच में कहाँ पर ये मशरूम श्रूम को मैग्नेट श्रूम को रखना पड़ेगा। हाँ भैया देखना पड़ेगा, फायर पी शूटर तो आपको मिल गया है, बढ़िया भैया। अब लाइन से आगे में वॉलनट लगाना चालू करते हैं भैया, काफ़ी सन तो हमारे पास हो गया है। और वैसे भी हमारे पास सनफ्लावर की पूरी एक लाइन है, तो लिली पैड लगा लगा कर यहाँ पर ये लगाना चालू करते हैं भैया। देखिए अब काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो गया है, अब एक और अगर ओए ठीक है, एक बार मेरे वॉलनट की एक और लाइन लग जाए तब पीछे वाले वॉलनट्स को हमको हटा के उनकी जगह मैग्नेट शूम रखना चालू करेंगे, ताकि इतने सारे जो बकेट हेड वाले आ रहे हैं उनका हम सामना कर सके। तो दो तो मैंने यहाँ लगा दिया है, पर वहाँ पर एक पी शूटर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा वीक हो जाएगा ऐसे में। ठीक है भैया, वैसे तो अभी सब सही चल रहा है भैया, एक वॉलनट यहाँ लगा दिया तो दो लेन तो हो ही गई है सब जगह भैया। अब इतने सारे बकेट हेड को रुकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भैया। देखिए कितने सारे एक साथ आते जा रहे हैं, तो और भी हमको मैग्नेट शूम की ज़रूरत है। और देखते हैं भैया कि इसके बाद और क्या आता है। ओ इतने सारे जल परी आ गए भैया, यानी ज़ॉम्बी परी आ गए, कोई बात नहीं, अच्छा है, एक और बस बाकी है, इसके बाद आराम से क्रॉस हो जाएंगे। वैसे ये उतने ज़्यादा थ्रेट वाले तो है नहीं भैया, आराम से हम इनको झेल सकते हैं। देखिए अब फायर पी शूटर भी लगाना चालू कर रहे हैं बीच बीच में भैया, ताकि वो इनको आराम से रोक सके। तो ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो जाएगा, मुझे नहीं लगता भैया इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप लगातार वॉलनट की एक और लाइन लगाते जा रहे हैं भैया, और पीछे साइड में जो गैप बच रहा है भैया उसमें हम और भी प्लांट्स लगाते जा रहे हैं, जैसे कि फायर वाले भैया। ओए ये तो है, ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। देख कितने भी ज़ॉम्बी आ जाए आराम से हम उनको सामना कर सकते हैं। तो इस लाइन में एक काम करते हैं कि एक और मैग्नेट शूम रख दें या फिर पी शूटर रख दें, ये देखना पड़ेगा। तो फायर वाले ही रख देते हैं, बढ़िया है भैया, फाइनल वेव भी आ गई है और आराम से हम ज़ॉम्बियों का सामना भी कर रहे हैं भैया, तो डे फोर भी आराम से ख़त्म हो जाएगा भैया बिना किसी प्रॉब्लम के। देखिए भैया जो बीच वाला है ये वाला बहुत अच्छा बीत रहा है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आगे हमको और अच्छे अच्छे प्लांट मिलेंगे भैया, उनका भी हम यूज़ करेंगे। देखिए तो ये लेवल भी क्रॉस हो गया और हमको ज़ॉम्बी का मुखौटा मिला है भैया, यानी कुछ प्लांट अपग्रेड हो सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्लांट अपग्रेड होंगे। इसमें हमको टैप करना पड़ेगा, तो टैप करने के बाद देखिए पहले तो हमको गोल्ड मिले भैया, वो भी 100, ठीक है आएंगे। ये क्या है, बनाना, बनाना लॉन्चर बाद में आएगा भैया, तो ये अपग्रेड के लिए है। लिली पैड है क्योंकि पहले से अपग्रेड वाले में है भैया, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ओए बढ़िया है, मज़ा आ गया। ओए देखते हैं अगला लेवल क्या हमारे लिए एक प्रॉब्लम लाता है। तो
ये रोप जो है वो तो और आगे हो गई है, अब प्लांट हमको कन्वेयर बेल्ट से करना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है? ये लगता है पानी में, वो समझ में आ गया जो प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी वन में था, वही है जो पानी में खींच लिया था लोगों को। ओके तो अब ठीक है, देख आराम से अब खींच सकते हैं हम पानी में इनको, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। अरे इसी की कमी थी, वो भी आ गया। हाँ भैया, ये पानी के लिए बहुत ज़रूरी प्लांट है। देखिए ऐसे बकेट वाले को तो ऐसे ही आराम से खींच देता है भैया। अब हमको ज़रूरत है पी शूटर्स की, लेकिन पी शूटर नहीं मिल रहा है भैया, तो इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वॉलनट रख देते हैं। अब बढ़िया ठीक है भैया, सब जगह वॉलनट की तो ज़रूरत है। देखिए सब जगह पी शूटर भी लगाना चालू करते हैं। अब हमको लाइन से पी शूटर मिल रहा है भैया, बस हमको ज़रूरत है कि वॉलनट भी मिल जाए। तो अभी इसको खींच के गिराते हैं। देखिए ओ ये क्या झलपरी आना चालू हो गई है, लेकिन उनको मारना चालू करते हैं भैया। अब पानी में हम इतने आगे इनको लगा नहीं सकते भैया, तो पीछे वाले को खींच के गिरा लेते हैं। तो जितने भी बकेट हेड वाले दिख रहे हैं भैया, सबको नीचे खींच के गिराएंगे हम। देखिए अभी इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, जब भी बकेट हेड वाले आएंगे तब भी हम उनको यूज़ करेंगे। तो एक और वॉलेट मिला है भैया, थोड़ा डिफिकल्ट तो लग रहा है भैया, लेकिन काम आएगा। देखिए एक बकेट वाला सबसे आगे वह है, उसमें यूज़ करना पड़ेगा इसको, तो उसको भी खींच के गिरा देते हैं भैया। ओए तू रुक, तू देखते जा, अभी मैंने दूसरी लेयर लगानी चालू करी है ये पी शूटर्स की। जो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा उसको वहीं पर लगा के खींच देंगे, जैसे कि ये रहा। तो जैसे जैसे मुझे ये बकेट हेड वाले ज़ॉम्बी मिलते जाएंगे, मैं उन्हें खींच कर वहीं गिराता जाऊँगा। वैसे भी इनकी कमी तो है नहीं, जैसे जैसे हम लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे वो आते जा रहे हैं। हाँ भैया बढ़िया है, देखिए अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही भैया। देखिए ये जल वाले जो ज़ॉम्बी है भैया, वो आराम से ज़ॉम्बियों को खींचते जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि भैया इस लेवल के बाद में ये प्लांट हमको मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमको ये यूज़ करने दे रहा है, मतलब कि अगले लेवल पे हो सकता है कि अनलॉक हो जाए। और अभी हमारे पास बहुत सारे प्लांट फूड है, हमको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है भैया। देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, सब में यूज़ करके सिर्फ बकेट वाले को हमको गिराना पड़ेगा। कहीं कहीं पर एक साथ आ रहे हैं झुंड में, तो गलती हो जा रही है भैया, लेकिन फिर भी बकेट हेड वाले तुरंत तुरंत मरते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है भैया कि इनका यूज़ करने के बाद में फिर जो ये है तुरंत आते जाते हैं भैया। देखिए यहाँ पर हम प्लांट फूड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लांट फूड लगभग ख़त्म हो गया था भैया, मतलब पूरा बच चुका था और दूसरे के लिए जगह नहीं थी। तो अब ठीक है, ओए अच्छा है, बढ़िया है। देख जो भी हमारा जो बना हुआ है ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज वेव आएगी और आ रही है, तो वो भी आराम से संभल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बकेट हेड वाले बहुत सारे हैं, तो एक साथ तो इनको खींच के गिराना मुश्किल है। फिर भी देखते हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे हम उनको खींच के नीचे गिराते जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और साथ में बहुत सारे प्लांट भी हमारे हैं, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुरंत तुरंत ये आते जा रहे हैं, हमें खींच के नीचे गिराते जा रहे हैं। अब बस इतने ही बचे ज़ॉम्बी हैं, बस इनको हमको झेलना है, उसके बाद ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा। बढ़िया भैया, मज़ा आ गया, देखिए ये लेवल भी क्रॉस हो गया और डे 5 भी हमारा पूरी तरीके से क्रॉस हो गया भैया, मज़ा आ गया, क्या बात है। इस लेवल को भी हमने आराम से क्रॉस कर लिया, अब हो सकता है कि ये प्लांट हमको मिल जाए भैया, या अगले लेवल पे मिलेगा, तो देखते हैं। देखिए क्वेस्ट वगैरह कंप्लीट हो गया है, और अब देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो बैग ऑफ कॉइंस मिला है भैया, यानी इस बार ये नहीं मिलेगा। ओए देखते हैं अगला चैलेंज कैसा है, अगला लेवल यानी 6th डे कैसा है। सर्वाइव द ज़ॉम्बी अटैक विथ मोस्ट प्लांट पिक फॉर यू। ओके इसमें तो बहुत ही कम बाकी है, देख पानी वाला लेवल बहुत ज़्यादा है, और साथ में जो लाइन है ज़मीन वाली वो बहुत ही कम है, सिर्फ 2 टाइल्स की है, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। सनफ्लावर तो हमको पहले से दे रखा हुआ है, उसके अलावा पहले से हमको वॉलनट मिला हुआ है, और पी शूटर पहले मिला हुआ है, लिली पैड मिला हुआ है, और ये जो पानी वाला प्लांट है वो भी मिला हुआ है। तो बचा क्या, सभी चीज़ तो हम यूज़ करते ही हैं। तो मेरे ख्याल से वॉलनट के बजाय और एक वॉलनट प्राइमल वाला रख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। बोंग चाय पिछले बार यूज़ नहीं किया था, तो इस बार यूज़ करके देख लेते हैं। हाँ भैया बढ़िया है, देखिए अब तो हम सनफ्लावर लगाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है भैया, तो सनफ्लावर लगाते हैं, सन ड्रॉप होगा तो तुरंत दूसरा भी लगाना चालू करेंगे, साथ साथ में लिली पैड भी लगाना चालू करते हैं भैया, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ज़ॉम्बी आना चालू हो जाए, जो कि आना चालू भी हो गए हैं भैया, तो हमको टाइम ना मिले
तो टाइम के लिए हम एक काम करेंगे कि तुरंत तुरंत सनफ्लावर लगाते हैं और साथ में लिली पैड भी लगाते जा रहे हैं भैया, और वॉलनट भी लगाते जाएंगे भैया। वॉलनट जॉम्बियों को रोके रखेगा, और साथ में एक ही जगह बची हुई है तो यहाँ पर हम शायद बॉम्ब शॉट यूज़ करें या फिर पी शूटर हमको यूज़ करना पड़ेगा भैया, देखिए तभी काम बनेगा। ओ ये क्या भैया, अब सनफ्लावर लगा रहे हैं तो अटैक कहाँ पर करेंगे भैया? ओए मैं तो बस लगा के देख रहा था, पर यहाँ पर असली है, पी शूटर रखने पड़ेंगे तभी काम बनेगा। वहाँ पानी के नीचे से तैरता हुआ एक और जॉम्बी आ रहा है, तो उसको तो हम यहाँ से पानी से खींच के निकाल लेंगे, तो अभी तक तो सही चल रहा है। पी शूटर लगाना चालू किए, प्राइमल वॉलनट भी गया, और अभी सब लेन पे लगभग लगाते जा रहे हैं हम वॉलनट, तो पी शूटर भी यहाँ पर लगाते जा रहे हैं। हाँ भैया बढ़िया है, देखिए ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। देखिए बस ये जो नीचे आने वाले जॉम्बी है इनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा भैया, क्योंकि पी शूटर इसको देख नहीं सकते हैं तो इन पर अटैक भी नहीं करते हैं भैया, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वॉलनट रख देते हैं भैया, यहाँ एक वॉलनट गया, अब देखते हैं यहाँ पर एक और वॉलनट रखते हैं वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बढ़िया है भैया, अब सही चल रहा है। ओए हाँ, अभी सब लेवल पे सनफ्लावर लग गए हैं, अभी उसके बाद सभी लेवल पे पी शूटर भी रखने पड़ेंगे, तो अब तो सही चल रहा है। हाँ भैया अभी वॉलनट्स की एक और लाइन लगानी पड़ेगी भैया, तभी हमारा काम बन पाएगा। ये देखिए बढ़िया है, और अब हम पीछे पीछे में ये पी शूटर रखना चालू करेंगे भैया, तभी हमारे काम बन पाएगा, और हो सके तो बॉन्ग चॉय भी लगाएंगे भैया। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ग चॉय लगा दिया भैया, अब बॉन्ग चॉय सबकी खोपड़ी उड़ाएगा। ओए बढ़िया है, अच्छा प्लान है, मैं इसे यूज़ करूँगा। तो अभी तो मेरा प्लान ये है कि दूसरा लेयर लगाया जाए ये जो वॉलेट्स है, ताकि हमको थोड़ा टाइम मिल पाए, और पीछे वाले को हटाकर हम और अटैकिंग प्लान यूज़ कर पाए। तो बॉन्ग चॉय तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ भैया सबसे नीचे लेन में एक बकेट वाला जॉम्बी है भैया, उसको जल्दी से खींच के नीचे गिराना पड़ेगा, वरना वो हमारा वॉल लटका जाएगा भैया। तो इसके लिए कुछ कीजिए भैया, प्लांट फूड भी आपके पास में है, चाहे तो आप प्लांट फूड भी यूज़ कर सकते हैं भैया। देखिए आप सिर्फ ऊपर में ध्यान दे रहे हैं, तो अच्छा हुआ आपने प्लांट फूड सही टाइम पर यूज़ कर लिया भैया, वरना दिक्कत हो जाती। तो ये दूसरा भी गया भैया, अब इसके बजाय यहाँ पर कुछ अटैकिंग प्लांट लगते हैं भैया, बॉम्ब शॉट रख गया, बहुत बढ़िया ये ठीक है। ओए बढ़िया है, देख अभी सेकंड लेयर मेरी लगना चालू हो रही है, और सब जगह मैंने बॉम्ब शॉट भी रखना चालू कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, और ये जॉम्बी को तो आराम से संभाल लेंगे। इस बार मैंने मैग्नेट शूम नहीं रखा है, क्योंकि उसके लिए जगह ही नहीं थी, तो अभी इस चैलेंज को पूरा करना है, तो जो जो हमें प्लांट मिले हैं बस उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, बाकी देखते हैं। तो देख बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया ये लेवल निकल रहा है। हाँ भैया थोड़ी देर और बाकी है, एक बस और आएगा भैया यूज वेव, उसके बाद में ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसको ख़त्म करने के बाद में ये जो वीडियो है भैया इसको भी हम एंड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचना ठीक नहीं है भैया। वैसे भी फर्स्ट पार्ट है तो उसमें इंट्रोडक्शन ही काफ़ी होता है भैया, और वैसे भी हमने बहुत अच्छा खेला है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है भैया, आराम से हम इसको क्रॉस करते गए हैं और हर चैलेंजेस को पूरा करते गए हैं। ओए हाँ ये तो है, पर इस सीरीज़ को खेलने में बहुत मज़ा आया और काफ़ी प्यार भी मिला हमें, तो मज़ा आ गया इसे खेलने पे। पर आगे बताएंगे कि हमको कौन सा गेम और खेलना है, ताकि हम उसे भी खेल के मज़ा ले सकें। हाँ भैया ये तो सही था, देखिए अब लगभग ख़त्म होने वाला है भैया, और बहुत अच्छा चल रहा है, बॉन्ग चॉय अपना काम कर रहा है, और हमारे पास में एक लेयर पूरी लगी हुई है भैया वॉलनट्स की, जिसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, और फाइनल वेव आ गई भैया। देखते देखते बस ये वेव ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ये लेवल भी ख़त्म हो जाएगा भैया। देखिए कितने सारे जॉम्बी आ रहे हैं, लेकिन उन जॉम्बियों के लिए हम तैयार हैं, हमारे पास दो दो लेन है भैया पी शूटर्स की, और साथ में एक बॉन्ग चॉय भी है, तो आराम से समझ जाएंगे। वैसे भी ये छुपने वाले जॉम्बी है भैया, ये तो तुरंत ही मार खा कर मर जाएंगे, बस जो स्ट्रिक्ट जॉम्बी है जो कि पकड़ने वाले भैया, उसमें बस टाइम लगने वाला है, तो इसमें मुझे लगता है कि भैया पकड़ने वाले भी उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और आराम से उनका पकेट गिर भी जाता है भैया। देखिए आराम से हम इन्हें खेल भी पा रहे हैं। ओए मज़ा आ गया, बस दो जॉम्बी बाकी है, और दोनों में से ये एक गया और ये दूसरा, और ये लेवल भी ख़त्म हो गया, क्या बात है। तो इसी के साथ में हमारा डे 6 भी ख़त्म हो गया, तो
बहुत मजा आया इसे खेलने में, और आखिरकार हमें वो एक्वेटिक प्लांट मिल गया, क्या बात है। तो भैया ये था वीडियो, होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।